Dear friends, as in Romans 12:21, the Bible says. प्रिय मित्रों, जैसा कि रोमियो 12 वचन 21 में बाइबल हमें बताती है, Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो. This is really challenging. यह तो वास्तव में चुनौतीपूर्ण कार्य है. Because our natural inclination is to return evil with evil. क्योंकि हमारा स्वाभाविक स्वभाव ये है कि हम बुराई के बदले बुराई ही दें. We will say, "Listen, what I am going to do with you." और हम कहते हैं, देखो, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ. I am going to finish you off. मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूँगा. This is our natural inclination. और यही तो हमारा स्वाभाविक तरीका है. Keeping our eyes on Jesus alone helps us to know how to respond when we are treated poorly. केवल प्रभु यीशु मसीह पर अपनी आंखें लगाए रखने के द्वारा से हम जानते हैं कि हम ऐसी स्थिति में कैसा प्रत्युत्तर दें. In 19th verse, Paul said, "Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, 'It is mine to avenge; I will repay,' says the Lord." क्योंकि वचन 19 में पौलुस कहता है, हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा. Again, he said, if your enemy is hungry, feed him. फिर वो आगे कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो, तो उसे खाना खिला. If he is thirsty, give him something to drink. यदि वो प्यासा हो, तो उसे पानी पिला. In doing this, you will heap burning coals on his head. क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा. See how beautifully the Lord teaches us. देखिए कितने खूबसूरत तरीके से प्रभु जो है हमें सिखा रहे हैं. The Lord shows us the way how to behave with our enemies. प्रभु जो हमें दिखाते हैं कि हमें किस तरह से अपने बैरियों के साथ व्यवहार करना है. In Matthew 5:44, Jesus says. मत्ती 5:44 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Love your enemies and pray for those who persecute you. अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. When we take revenge for the evil which had been done for us. जब हम अपने प्रति किए गए बुराई के बदले में बदला लेते हैं, People will say, you are weak. लोग कहेंगे कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो. So conquer your enemies with kindness and patience. और इसीलिए अपने विरोधियों को दया और धीरज के द्वारा से आप जीत लें. By doing this, you will turn your enemy into a friend. ऐसा करने के द्वारा आप अपने दुश्मन को अपना मित्र बना लेंगे. Like this, David overcame the king Saul. वैसे ही करके दाऊद ने राजा शाऊल को जीत लिया. As in Acts 7:60. और जैसा प्रेरितों के काम 7:60 में है, Stephen fell on his knees and cried out when he was stoned. जब पथरवाह किया गया तो स्तुपनुस घुटनों पर आया और वो जोर से चिल्लाया, Lord, do not hold the sin against them. कि हे प्रभु, यह पाप तू उन पर मत लगा. And more than everything, Jesus is our best example to follow. और सबसे बढ़कर के प्रभु यीशु मसीह हमारे सर्वोत्तम आदर्श है जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं. When people hurled insults at him, he did not retaliate. जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती की तो उसने प्रतिकार नहीं किया. Even at the point of his death, he said to the Lord, Lord, forgive them, for they know not what they do. यहाँ तक कि अपने मृत्यु के समय में भी उसने यही कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. If any evil is done against you, forgive and forget. अगर आपके साथ कोई बुराई की जाए तो आप क्षमा करें और भूल जाएं. Do not hold grudge in any way. किसी भी तरीके से अपने मन में आप क्रोध को न रखें. By this way, you will
overcome the evil. और इस तरह से आप बुराई पर जयवंत होंगे. You will be more than a conqueror. आप एक जयवंत से भी बढ़कर होंगे. Lord, according to this word, help them to overcome the evil with good, Lord. प्रभु जी इस वचन के अनुसार से उनकी सहायता करें कि वे बुराई को भलाई के साथ जीत लें. Give them your character of kindness and patience to bear with the people, those who hurt them. आप अपना सा दया और धीरज का स्वभाव दें कि वे अपने विरोधियों के लिए सहनशील बने. Let your children not be very quick to get angry. आपके जो बच्चे हैं क्रोधित होने के लिए बहुत ही शीघ्रता न करने वाले हों. Lord, fill them with your character, Master. आप उन्हें अपने स्वभाव से भर दें स्वामी. Fill them with your nature. उन्हें अपने स्वभाव से आप भर दें. Fill them with all the fruits of the Holy Spirit. उन्हें पवित्र आत्मा के हर एक फलों से भर दें. Father, let other people see you in them, Lord. और पिताजी दूसरे लोग उनमें आपको देखने पाए प्रभु. Help them to forgive. उनकी सहायता करें कि वे दूसरों को माफ करें. Father, help them to forget about the past. पिता अपने अतीत को भूलने के लिए आप उनकी सहायता करें. Let them not hold on to the past. वे अपने अतीत को अपने साथ थाम कर न रखें. And have the heart to revenge people. और एक ऐसा मन रखें कि वो लोगों से बदला लेने वाले हों. Let every past be erased in their lives. उनके जीवन में उनका पूरा अतीत जो है पूरी तरह मिटा दिया जाए. Lord, help them to get united with those who hated. प्रभु उनकी सहायता करें कि जिनने उनसे घृणा की उनके साथ वो फिर से एक हो जाएं. Lord, give them such a heart to love their enemies. ऐसा हृदय दें कि वे अपने विरोधियों शत्रुओं से प्रेम करने वाले हों. To even pray for their enemies. कि वे अपने विरोधियों और शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें. Lord, let people see you in them, Lord. और प्रभु जी होने दें कि लोग उनमें आपको देखने पाएं. Let them be drenched with your love. वे आपके प्रेम से पूरी तरह से सराबोर हो जाएं प्रभु. Let them be drenched with the power of the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ पूरी तरह डूब जाएं. Let them be with full of your love and kindness. वे आपके प्रेम और आपकी तरफ से पूरी तरह से भर जाएं प्रभु जी. Let them become more than conquerors. और वे जयवंत से भी बढ़ करके हो जाएं. Strengthen their inner being, Lord. आप प्रभु जी उनके आंतरिक मानव को मजबूत करें. To overcome all the evil of this world. कि वे संसार के हर एक बुराई पर जय पाएं. Thank you, Lord, for making them so strong. उन्हें इतना ही मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी. In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन. God bless you, dear friend. प्रिय मित्रों परमेश्वर आपको आशीष दे. My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं Bethesda Prayer Center, जो कि कारुण्या नगर कोयंबटूर में है. Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे. So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए. Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे. We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहां पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं. Hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए. It'll come upon you. वो आप पर आएगा. And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे. You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं. Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है. Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयंबटूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है. Just come. बस आइए. Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे. डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्डा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्या नगर कोयंबटूर में आए. तारीख है रविवार 7 जुलाई. समय है दोपहर 2 बजे. अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487
4661 पर तुरंत संपर्क कीजिए।